9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशु राठौर। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, सारा तेंदुलकर अक्सर अपनी खूबसूरती के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। सारा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बता दें कि सारा अपने फैशन सेंस को लेकर भी सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत फोटोज को लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। और भाई हो भी क्यों ना, आखिरकार है ही इतनी खूबसूरत कि बॉलीवुड की किसी भी हीरोइन को टक्कर दे सकती हैं। वहीं बात करें उनके करियर के बारे में तो सारा अपनी माँ के नक्शे कदम पर गई हैं। दरअसल सारा ने लंदन से मेडिकल की डिग्री ली है, लेकिन इससे पहले सारा मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई कर चुकी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सारा की माँ अंजलि तेंदुलकर खुद एक डॉक्टर हैं और उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर पिता की तरह क्रिकेट को अपना करियर बना चुके हैं। वहीं सारा की खूबसूरती की बात की जाए तो सारा से संबंधित भी कई सारी ऐसी खबरें उड़ी थी कि सारा फिल्मों की दुनिया में एंट्री करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के लिए बता दें कि खबरें आई थी कि सारा तेंदुलकर शाहिद कपूर के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और वहीं दूसरी ओर आमिर खान उनको लॉन्च करेंगे, जिसके बाद उनके पिता ने इस तरह की सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था और उनका कहना था कि उनकी बेटी अपनी पढ़ाई में बिजी है। लेकिन इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सारा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लाइमलाइट में रह चुकी हैं। जी हाँ, खबरों के मुताबिक बता दें कि सारा का नाम कई लोगों से जुड़ चुका है। खबरें आई थीं कि सारा मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के साथ रिलेशनशिप में हैं। वहीं सचिन और मुकेश अंबानी की फैमिली एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है और इसकी वजह से लोग अनुमान लगाने लगे थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतना ही नहीं, अनंत अंबानी से पहले सारा तेंदुलकर का नाम जुड़ चुका था बॉलीवुड एक्टर हिमांश कोहली के साथ, और ये खबरें बाद में फेक बताई गई। लेकिन इन सभी बातों से हटकर एक और बात है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सारा की जिंदगी में भी एक ऐसा शख्स आया था जिस शख्स ने सारा को परेशान कर दिया था, और ये शख्स थे देव कुमार। जी हाँ, देव कुमार ने सारा को परेशान ही करके रख दिया था। इस शख्स ने लगभग 20 बार तेंदुलकर के घर फोन किया था और सारा के बारे में बहुत सारी गलत बातें बोली थी। इतना ही नहीं, इस शख्स ने सारा का अपहरण करने तक की धमकी दे डाली थी। खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि वो शख्स पहली नजर में ही सारा से प्यार करने लगा था। जी हाँ, उसने सारा को एक मैच के दौरान स्टेडियम में देखा था और तभी से सारा से प्यार करने लगा था। इतना ही नहीं, उस शख्स का जब पता लगा तब उस दौरान पुलिस ने पूछताछ भी की, जिसके बाद से पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और उसके घर से एक डायरी भी मिली। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि डायरी में क्या लिखा था। इस डायरी में आरोपी देव कुमार ने सचिन तेंदुलकर की बेटी का नाम अपनी पत्नी के रूप में लिखा था, जिससे जांच में आरोपी घर पर भी अपनी माता पिता को प्रताड़ित करता था, ऐसा भी पता चला। वहीं बता दें कि पूरा मामला जब सामने आया तब सारा तेंदुलकर ने मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी के फोन और उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे विवाद जिसकी वजह से सारा लाइमलाइट में रह चुकी हैं। वहीं देखा जाए तो अक्सर सारा को कई इवेंट्स, कई पार्टी में भी स्पॉट किया जाता है और उनकी खूबसूरती के जलवे तो हर तरफ बिखेरते हुए नजर आती हैं। देखा जाए तो सारा बॉलीवुड की कई हीरोइंस को टक्कर दे सकती हैं अगर वो बॉलीवुड में डेब्यू करती हैं। फिलहाल तो ऐसा कोई चांस नहीं है, सारा अपने करियर पर फोकस की हुई हैं और देखा जाए तो सारा शायद ही बॉलीवुड में कदम रखेंगी, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती के जलवे बरकरार रहेंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।